हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ मामा अर्थ और वाओ के फेस वॉश का। मेरे पास यहाँ पर मामा अर्थ का कोको फेस वॉश है और यहाँ पर मेरे पास वाओ का उपटन फेस वॉश है। इन दोनों का रिव्यू जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, तो आज मैं इन दोनों का कंपेयर वीडियो शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, फेस वॉश जो है वो आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। जो भी आपकी स्किन टाइप है, आपने अपने स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। बट इन दोनों फेस वॉश का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, क्वांटिटी सेम है और ये दोनों फेस वॉश काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं इन दोनों का कंपेयर आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इन दोनों में से कुछ भी लेना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज मैं इन दोनों फेस वॉश का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों फेस वॉश को अपने पैसों से ख़रीदा है और इसलिए आज मैं खुलकर इसका रिव्यू करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को सही प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हाफ़ फेस पे जो है वो मामा अर्थ का फेस वॉश यूज़ करूँगी और हाफ़ फेस पे वाओ का फेस वॉश यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना फाइनल रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है और मुझे कौन सा फेस वॉश जो है वो ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है ये मामा अर्थ का कोको फेस वॉश। इसके अंदर आपको कॉफ़ी मिलता है, इसके अंदर कोई भी पैराबेन, सल्फर और एक्स्ट्रा सिलिकॉन वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। 100 ml की क्वांटिटी है और इसका जो प्राइस है वो 249 rupees है और ये आपको 199 rupees में मिल जाता है, मतलब डिस्काउंट वगैरह पे आपको मिल जाता है। मैंने भी इसे 199 rupees में ही लिया था। दोस्तों, कॉफ़ी जो होता है वो आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, आपकी स्किन से सन टैन को दूर करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद है ये वाओ का फेस वॉश। ये वाओ का उपटन फेस वॉश है। इसके अंदर आपको बेसन, हल्दी, सैफ्रॉन और रोज वाटर, सैंडलवुड पाउडर ये सब मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। तो चलिए अब इनको यूज़ कर लेते हैं। मैं हाफ़ फेस पे जो है ये कॉफ़ी फेस वॉश यूज़ करूँगी, हाफ़ फेस पे टर्मरिक फेस वॉश यूज़ करूँगी और उसके बाद आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है मामा अर्थ का फेस वॉश। ये हल्का सा कॉफ़ी कलर का फेस वॉश है। इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेल की तरह है। खुशबू जो है वो बिल्कुल कॉफ़ी की तरह आ रही है, काफ़ी रिफ्रेशिंग खुशबू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्मेल जो है। तो चलिए अब इसको हाफ़ फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का फेस वॉश। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का फेस वॉश है। ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रनी प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी से ये निकल जाता है बाहर। तो मैं इसको अपने फिंगर्स पे निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट कलर का फेस वॉश है ये, बट बहुत रनी है, बहुत जल्दी बहने लग जाता है। तो मैं इसको हाफ फेस पे ये अप्लाई कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने हाथ को गीला कर लिया है, अब दोनों फेस वॉश को मसाज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वाओ का जो फेस वॉश है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्किन पे स्प्रेड हो जा रहा है और वहीं मामा अर्थ के फेस वॉश में आपको ज़्यादा जो है वो पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, वाओ का जो फेस वॉश है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से स्किन पे फैल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि झाग भी बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है। तो मुझे वाओ का जो है वो काफ़ी सही लग रहा है। मामा अर्थ भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा थिक फेस वॉश है। आपको इस फेस वॉश को करने के लिए पानी का जो यूज़ है वो ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आपको, तभी अच्छे तरीके से स्प्रेड हो पाएगा आपकी स्किन पर। बट अगर आप वाओ के फेस वॉश की बात करें तो अगर आपकी स्किन में आपके पास पानी ज़्यादा ना भी हो तो भी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाएगा। पानी ज़्यादा यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी फैल जाएगा आपकी स्किन पे बहुत अच्छे तरीके से फेस वॉश।
तो मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से रब कर लिया है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को फेस वॉश करने के बाद। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों फेस वॉश काम करते हैं। फ्रेंड्स इस तरफ जो है वो मैंने वाऊ का फेस वॉश लगाया था, मेरी स्किन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुई है, एक अलग सा ग्लो आया है स्किन में, काफ़ी अच्छा शाइन है। बट ये वाला जो फेस वॉश है वाऊ का जो फेस वॉश है वो थोड़ा सा रनी है। हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से लेदर करता है फेस पे, बट आपको बहुत लंबे समय तक अपने फेस पे पानी मारना पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से फेस वॉश को अपने स्किन से क्लीन करना है तो। अगर वहीं हम मामा अर्थ के फेस वॉश की बात करें तो वो भी काफ़ी सही तरीके से आपके स्किन पे वर्क करता है। फेस वॉश जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है तो पानी जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है उसको फैलाने में, बट वॉश करते टाइम ये बहुत अच्छे तरीके से जल्दी वॉश हो जाता है। बट इस ये जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं है, थोड़ा माइनर सा फ़र्क है, ये थोड़ा कम मॉइस्चराइज करता है, बट वाओ वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को। ओवरऑल जो है ये दोनों प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, प्राइस बहुत रीज़नेबल है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, तो अगर आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के निशान हैं, तो आप वाऊ का जो ये टर्मरिक फेस वॉश है आप ये यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपकी स्किन रिफ़्रेश फील नहीं करती है तो आप अपने लिए ये वाऊ का ये मामा अर्थ का जो कोको फेस वॉश है वो चुन सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, बट मैंने इसका कंपेयर वीडियो बनाया है तो मुझे आपको एक फ़ाइनल रिज़ल्ट बताना है। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट वाऊ का जो फेस वॉश है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक आपको मॉइस्चराइज रखता है स्किन को, काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छे तरीके से स्किन को क्लीन करता है। हाँ बस ये थोड़ा सा ज़्यादा वाटरी फेस वॉश है तो आपको क्वांटिटी थोड़ा ध्यान से कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो फेस वॉश है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्रोडक्ट दोनों बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी परचेज कर सकते हो, दोनों अच्छे प्रोडक्ट हैं और दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। और फ्रेंड्स आज का कंपेयर वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और प्रोडक्ट के ऊपर कंपेयर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।